हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अन एकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर फॉर क्लैट पीजी 2024। हर क्लैट एस्पिरेंट का सपना होता है अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ना। इफ यू आर वन ऑफ देम, देन दिस वीडियो इज श्योरली फॉर यू। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्लैट पीजी के लिए आपको किन टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना है, उसके लिए आपकी रैंकिंग कितनी होनी चाहिए, आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं सो दैट यू कैन गेट एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज। तो बिफोर वी प्रोसीड, हमें ये पता है कि 24 यूनिवर्सिटीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अप्रॉक्स 10,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर इस एग्जाम को देते हैं। इसके कंपैरिजन में एनएलयूज की जो सीट है वो बहुत कम होती है, इसलिए कंपटीशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हाई लेवल का टफ कॉम्पिटिशन होता है वो क्लैट पीजी वन ईयर एलएलएम कोर्स। जितने भी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रॉडली देखा जाए वैसे तो सभी बेस्ट हैं, इसमें से कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी इन कॉलेजेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 टायर्स में डिवाइड कर सकते हैं, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा, यानी कि जो बेस्ट 5 कॉलेजेस हैं हम उन्हीं को टारगेट करेंगे। मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, जब सभी बेस्ट है तो फिर इन्हें 3 कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया गया। डिवाइड किया गया है बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, या फिर आप कह सकते हो इनके कैंपस के लिए, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इनके प्लेसमेंट के लिए। इसके बेसिस पर इन यूनिवर्सिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो टायर 1 के कॉलेजेस हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन अच्छी है, वहाँ कन्वेंस अच्छा मिलता है, वहाँ की कैंपस अच्छी होती है एंड वहाँ जो प्लेसमेंट होती है वो भी बहुत अच्छी जगह पर होती है, इसीलिए हमें टायर 1 के जो भी कॉलेजेस हैं उन्हें फोकस करना है। सेकेंड आता है टायर 2, इसकी भी लोकेशन सही होती है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि इन सब में 19-20 का डिफरेंस होता है। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी फेमस है, सभी बेस्ट है, बट हमें क्या करना है, वी हैव टू चूज बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, हमने उन सभी बेस्ट में से भी बेस्ट पर ही जाना है। सो एज पर द लोकेशन, कैंपस और प्लेसमेंट, इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए टायर 1 के इंस्टीट्यूट को फोकस करना। सो अगर हम बेस्ट की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है हमारा बेंगलोर का NLSIU। ये बैंगलोर में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है। ये टॉप 1 पे प्रायोरिटी आती है सभी क्लैट पीजी स्टूडेंट्स के लिए, ये ड्रीम कॉलेज है उन सबका। नेक्स्ट पर आता है हमारा NLU हैदराबाद, थर्ड वन इज द NLU ऑफ भोपाल, फोर्थ है हमारा NUJS कोलकाता, फिफ्थ वी हैव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, उसके अपार्ट ये राम मनोहर लोहिया कॉलेज लखनऊ एंड गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, ये भी हमारे टॉप के लिस्ट में है। यानी कि हमें जब फोकस करना है, अपनी तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस पर फोकस करना है। बट ऐसा नहीं है कि अगर इनमें से कोई कॉलेज हमारे टारगेट पे नहीं आता है तो दूसरे कॉलेजेस को हमें छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बट जो हमारा फोकस है, जो टारगेट है, जो टॉप 5 की अगर हम बात करें, द बेस्ट कॉलेजेस की बात करें, तो दीज आर दी बेस्ट कॉलेजेस फॉर क्लैट पीजी स्टूडेंट्स। NLSIU बैंगलोर, देन हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, जोधपुर, लखनऊ एंड गुजरात गांधीनगर। अब इन कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसके लिए कितनी रैंकिंग होनी चाहिए, कितनी मार्क्स सिक्योर करनी है आपको। बैंगलोर का जो कैंपस है इट्स बेस्ट फॉर बिजनेस लॉ। अगर आप LLM स्पेशलाइज करना चाहते हो बिजनेस लॉ में तो ये कॉलेज आपके लिए द बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ बिजनेस लॉ की स्पेशलाइजेशन होती है, इसके अदर कोर एरियाज हैं प्राइवेट लॉ, लॉ एंड सोसाइटी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, ये सब इसके कोर एरियाज हैं। अब हम बात करते हैं इनमें एडमिशन की। हम बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए एटलीस्ट 75+ स्कोरिंग होनी चाहिए। ये जो स्कोरिंग है ये लास्ट के 2-3 इयर्स के अकॉर्डिंग पे अप्रोक्सीमेटली ऐसा अज्यूम किया जाता है, क्योंकि जो कट ऑफ मार्क्स है वो हर बार बहुत डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं और ये हर बार अलग होते हैं, इसलिए इसमें कुछ श्योर शॉट हम नहीं बता सकते, बट अप्रोक्सीमेटली आपके जो मार्क्स है या हमें जो टारगेट रखना है, ऑब्वियसली हमें टारगेट हाई ही रखना है, हम बिल्कुल लेवल पे टारगेट अपना नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए हम अपना टारगेट रखेंगे फॉर बैंगलोर 75+, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप 80 मार्क के चलो, ठीक है। आपको टारगेट रखना है कि आपको 80 मार्क्स सिक्योर करनी है।
क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली ओनली 100 सीट्स ही होते हैं, यानी कि टॉप की जो रैंकिंग, जो क्लोजिंग रैंकिंग है वो 120 से 150 के बीच की होती है। अगर आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप 120 से 150 के बीच में नहीं है तो आप इस कॉलेज को मिस कर दोगे। तो बी श्योर कि आपकी जो रैंकिंग है वो 150 एट लास्ट, मतलब मैक्सिमम 150 से ज्यादा आपकी रैंकिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल मिस दिस कॉलेज। तो मार्क्स की बात करें तो 80 प्लस आपका आना चाहिए, और जो रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 150 मैक्सिमम आपकी रैंकिंग होगी, देन ओनली यू विल गेट एडमिशन इन SIU बैंगलोर। स्पेशलाइजेशन हमने देख ली उसमें, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड बेस्ट कॉलेज में, दैट इज NLU हैदराबाद नलसाड़ यूनिवर्सिटी। ये इसमें बहुत अच्छी फैकल्टी है, ये अपनी गुड फैकल्टी के लिए फेमस है। इसमें रैंकिंग मार्क्स की बात करें तो 70 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू शुड प्रूव दैट यू आर द बेस्ट स्टूडेंट फॉर दैट कॉलेज। तो 70 प्लस अगर आपकी मार्किंग आती है देन आपकी सीट नलसाड़ हैदराबाद में बिल्कुल बुक्ड है। मैक्सिमम रैंकिंग की बात करें तो 70 से 180 तक के बीच की इसकी क्लोजिंग रैंकिंग होती है, यानी मैक्सिमम अगर आपकी रैंकिंग टॉप 180 में है देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन NLU हैदराबाद। इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करें कि इसमें स्पेशलाइज कैसे बेस्ट क्या है इस कॉलेज में, तो इसमें अगर आप कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो, स्पेशलाइज करना चाहते हो क्रिमिनल लॉ में, एनवायरमेंट लॉ में, फैमिली लॉ में, या फिर IPR में, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस लॉ, देन इट हैज लीगल पेडागॉजी एंड रिसर्च, पब्लिक लॉ एंड लीगल थ्योरी, ये सभी इसके कोर एरियाज हैं। नलसाड़ की यूनिवर्सिटी में इन सभी पर आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, और दिस इज द बेस्ट कॉलेज फॉर द स्पेशलाइजेशन इन क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, फैमिली लॉ एंड स्पेशली फॉर IPR। ओके, सो क्योंकि हैदराबाद इट्स अ IT हब, सो अगर आप साउथ के साइड में जाते हो तो आपको IPR और IT से रिलेटेड जो भी एरियाज है उसमें आपको बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थर्ड हम आते हैं NLU भोपाल पे। इसकी स्पेशलाइजेशन अगेन इट्स IPR, बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। अगर आप इन सब इनमें से किसी में भी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो भोपाल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसमें सीट्स बहुत कम होती है, 60 सीट्स ही होती है, और अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 200 शुड बी इट्स, इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो 200 के अप्रॉक्स होता है। टॉप 200 स्टूडेंट्स में अगर आपका नाम है तो आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है भोपाल यूनिवर्सिटी का। सो दिस इज द थर्ड बेस्ट कॉलेज फॉर क्लैट PGLLM। उसके बाद हम आते हैं कोलकाता पे, NUJS या फिर NLU कोलकाता। इसमें स्पेशलाइजेशन होता है कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज पर, इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लॉज पर, लॉ एंड टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज, देन क्रिमिनल एंड सिक्योरिटीज लॉ। इसमें टोटल 100 सीट्स होती है, और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो ये 250 से 300 के बीच में इसकी जो रेंज है वो जाती है। सो अगर आप टॉप 300 में आ रहे हो, आपकी रैंकिंग 250 से 300 के अंदर है, विदिन 300 है, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन NLU कोलकाता। दिस इज ऑल्सो द बेस्ट NLU फॉर द LLM। नेक्स्ट वी हैव NLU जोधपुर। इसमें स्पेशलाइजेशन होता है कॉर्पोरेट लॉ पे एंड IPR लॉ पे। इसमें 50 सीट्स होते हैं, और क्लोजिंग रैंकिंग की अगर हम बात करें जो रैंक है आपका वो 250 से 350, ठीक है, 350 के विदिन आपकी रैंकिंग होगी तभी आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। मैक्सिमम 350 अगर आपका आता है, यानी अगर आप टॉप 300 से 350 के बीच में हो तो आप इनमें से किसी भी कॉलेज में, अपने ड्रीम कॉलेज में, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपनी जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग इन यूनिवर्सिटीज में से किसी भी एक को चूज कर सकती हो, या फिर आप इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो ओनली इफ यू आर अंडर टॉप 300 स्टूडेंट, 300 और 350, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिस इज द एंड, इसमें 24 कॉलेज, आपके पास वाइड एरियाज ऑफ ऑप्शन है। आप इन पांचों के अलावा देयर आर ऑल्सो अदर कॉलेजेस जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो और अपने इस LLM के ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो। दीज आर ऑल्सो द बेस्ट, भले ही टायर 2 है बट दीज आर द बेस्ट ऑल्सो, और आप इसमें भी एडमिशन कर ले करके अपनी जो अपना जो ड्रीम है LLM कंप्लीट करने का वो कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है रायपुर कॉलेज, देन वी हैव
सिलवासा में भी एक गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी ही रिसेंटली खुला है, राम मनोहर लोहिया, दिस इज ऑल्सो द बेस्ट वन. देन वी हैव राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला पंजाब में है, ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है एलएलएम करने के लिए. इसके लिए भी आपको रैंकिंग आप मानकर चलो कि 400 से 500 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग है तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो. देन वी हैव चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटीज बिहार पटना, ये भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर एलएम. कोची में भी देयर इज अ नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर द एडवांस लीगल स्टडीज. देन वी हैव एनएलयू इन उड़ीसा कटक. देन वन मोर एनएलयू इज देयर इन रांची जो कि झारखंड में पड़ता है. असम में भी एक एनएलयू है फॉर द जुडिशियल एकेडमी, गुवाहाटी में है. दीज आर ऑल दीज ये सब जी है, ये भी सभी आपके क्लैट पीजी में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है और इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो. इसमें अगर रैंकिंग की बात करें तो आपकी 800 से मतलब 800 से 1000 उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते. अगर आपकी रैंकिंग जो है वो टॉप 1000 के अंदर है तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो. अब हम आते हैं थोड़ी सी थर्ड टायर की यूनिवर्सिटीज में. इसमें हमारा आता है विशाखापट्टनम, दामोदरम, संजीवय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के तीन हैं, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, जिसमें से मुंबई दिस इज द बेस्ट वन. इसमें आपको रैंकिंग जो है इसकी भी रैंकिंग बहुत अच्छी जाती है, अप्रोक्सीमेटली ये 200 से 300 के बीच में इसकी रैंकिंग जाती है. तो वी हैव टू टारगेट दिस कॉलेज ऑल्सो, महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी मुंबई. ये भी बेस्ट कॉलेजेस की कैटेगरी में आता है, टायर वन की कैटेगरी में आता है. देन वी हैव नागपुर, एनएलयू इन नागपुर एंड औरंगाबाद ऑल्सो. इसके अलावा तीन और यूनिवर्सिटीज है हिमाचल प्रदेश में, जबलपुर में दैट इज द एमपी और सोनीपत में बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. तो दीज आर द टोटल 24 NLUs जो आप जो क्लैट पीजी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं क्लैट पीजी में या फिर इसमें टारगेट कर रहे हैं. बट हमें क्या करना है, हमें टॉप 5 कॉलेजेस पर टारगेट करना है, अपनी रैंकिंग सिक्योर करनी है और अपने मार्क्स को मैक्सिमम टारगेट पे रखना है. क्योंकि जितना ज्यादा हम अपना टारगेट रखेंगे उसी अकॉर्डिंग जो है हम अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे. क्योंकि हमने पहले ही देखा कि बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है, सीट्स कंपैरेटिवली बहुत कम होती है जितने स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं. अप्रॉक्सिमेटली 8000 से 10000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और आप देख सकते हैं 24 यूनिवर्सिटीज हैं. और अगर 100 सीट भी हम हर यूनिवर्सिटी में लेकर चले तो भी हमारे पास सिर्फ 2400 सीट ही है और पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 10,000 सीट्स हैं. तो इसी के बेसिस पर जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है. कट ऑफ इससे बहुत हाई जाता है बिकॉज ऑफ द वेरी टफ कॉम्पिटिशन. जो क्लैट का कट ऑफ है ये हर साल डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मैटर करते हैं. सबसे पहला है कि कितने कैंडिडेट्स जो है वो इस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं. फिर आपने जिस कॉलेज में अप्लाई किया है उसमें उस कॉलेज में कितने लोगों, कितने एप्लीकेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो फर्स्ट हमारा टारगेट कॉलेज है बैंगलोर सिर्फ उसमें ही एडमिशन के लिए अप्लाई करें. इफ समवन वांट्स टू गेट एडमिशन, सपोज किसी का फर्स्ट रैंकिंग भी आया है और वो नलसार में एडमिशन लेना चाहता है तो फर्स्ट रैंकिंग जो है वो बैंगलोर में खाली हो जाती है ना, एक सीट बैंगलोर में इस तरह से खाली हो गई. तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कौन एडमिशन के लिए कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ही उस कॉलेज का कट ऑफ जो है वो डिसाइड होता है कि उस कॉलेज में कितनी रैंकिंग होगी, कितने मार्क्स के कट ऑफ तक के स्टूडेंट्स का उस कॉलेज में एडमिशन होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्रीवियस कट ऑफ ट्रेंड, क्योंकि लास्ट ईयर से कनेक्टेड ही सारी चीजें चल रही है तो कट ऑफ के लिए भी प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो भी कंसिडर किया जाता है फाइनल डिसीजन के लिए कि इस साल का कट ऑफ कितना होगा. तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी हमें ध्यान में रखना है. तो ये जो हमने एनालिसिस किया है आज के वीडियो में कि प्रीवियस के 2-3 ईयर्स के जो कट ऑफ है उनके बेसिस पर ही हमने ये जो वीडियो बनाया है, जो हमने टारगेट बताया है मार्क्स का, रैंकिंग का, ये प्रीवियस 2-3 ईयर्स के बेसिस पर ही एनालाइज करने के बाद ये हमने कंक्लूजन निकाला है. तो प्रीवियस के कट ऑफ ट्रेंड को देखते हुए ही क्लैट जो है वो अपना फाइनल कट ऑफ डिसाइड करती है. नेक्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल. हमने देखा इतने सारे कॉलेजेस है सब में सेम सीट्स तो होती नहीं है, किसी में 100 है, किसी में 6 सीट्स की होती है, किसी में 50 सीट्स है, किसी में 60 सीट्स है. तो सीट्स भी डिपेंड करता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कट ऑफ डिसाइड करने में.
नेक्स्ट वी हैव द कैटेगरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो जो वीडियो है वो जनरल कैटेगरी, जो मार्क्स हमने बताया वो जनरल कैटेगरी के लिए बताया है, बट एससी एसटी इन सब के लिए भी कैटेगरी होती है और इनके लिए मार्क्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो हर कॉलेज में कितने सीट्स रिजर्व हैं एसटी एसटी और अदर कैटेगरीज के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगा। कट ऑफ का पैटर्न देखा जाता है, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को ट्रेंड में ट्रेंड को कंपेयर किया जाता है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट है या डिफिकल्ट है उसके बेसिस पर भी कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ डिसाइड होता है, इसलिए ये हर साल अलग होते हैं और ये प्रेडिक्टेबल नहीं होते। हाँ हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस कट ऑफ, लेकिन हम श्योर शॉट नहीं बता सकते कितना कट ऑफ आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा टारगेट है उसे हमें रखना है हाईएस्ट लेवल पर। अगर हम अपना टारगेट हाईएस्ट लेवल पर रखेंगे तभी हम इस क्लैट पीजी में अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अगर हम बराबर बराबर पर चलेंगे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पर या फिर उससे हम लोड अगर अपना टारगेट रखते हैं तो ऑब्वियसली हम रेस से बाहर हो जाएंगे। हमें रेस में आगे रहना है, टॉप 200 300 में डेफिनेटली हमें स्कोर करना है, इसलिए हमें टारगेट हमेशा अपना नंबर वन ही रखना है। दूसरे कॉलेजेस पर ध्यान नहीं देना है, अपना टारगेट हिट द बुल्स आई, हमें बैंगलोर और नासा को छोड़कर दूसरे यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना ही नहीं है, ठीक है। तो अपना टारगेट हाई रखना है और हाईएस्ट मार्किंग जो है वो हमें स्कोर करनी है। ये सब आप करोगे कैसे, हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे विद द अचीवर्स बैच। क्लैट पीजी 2024 के लिए अचीवर्स बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जैसे कि हमने पहले भी देखा क्लैट पीजी के जो सिलेबस है उसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो आई एम प्रियंका सिंह, आई बी द एजुकेटर फॉर द बिजनेस लॉ पार्ट। तो अगर आप क्लैट पीजी और एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस कोर्स में जरूर एनरोल करें। बिजनेस लॉ की क्लास वीक में 3 डेज होगी, ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टीटीएस। ये मॉर्निंग की क्लास है 10 AM to 11 AM, ये 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें आपको बिजनेस लॉ की कंप्लीट प्लान स्ट्रेटेजी और जो इसके एमसीक्यूज है आपके जो बेसिक्स है उन सबको क्लियर किया जाएगा। क्लैट पीजी के प्लस कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, दिस विल बी द वेरी बेनिफिशियल प्रोग्राम फॉर यू। इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो, इसमें डेली लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं और आपको डेली क्लास का पीडीएफ और डेली केस एनालिसिस भी आपको इस प्लस प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने बेस्ट ऑप्शन को अपने सुविधा के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। देयर इज 6 मंथ प्लान, देयर इज 12 मंथ प्लान एंड देयर इज 18 मंथ प्लान ऑल्सो, सो यू कैन चूज द बेस्ट प्लान एज पर योर कन्वीनियंस। और आप टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इस QR कोड को स्कैन करिए और अनअकैडमी क्लैट पीजी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको फुल अपडेट मिलती रहेगी फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी न्यूज रिगार्डिंग द क्लैट पीजी। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज एनरोल करें इस कोर्स में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।